हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल फाइनेंस का ज्ञान में। और मैं आपकी प्रॉब्लम इतनी सरल कर दूंगा कि आपके चेहरे की खुशी मैं आज डबल कर दूंगा। बहुत रिक्वायरीज किया सर आपने कि सर आप बजाज फाइनेंस के बारे में बताइए, बजाज फिनसर के बारे में बताइए। तो मैं आपको जॉइनिंग से लेकर फर्स्ट मंथ तक क्या करना पड़ता है फुल डिटेल, सैलरी, कमाई, एमआई सब बताऊँगा। तो वीडियो बनाए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दो, क्योंकि वैकेंसी कभी भी आती रहती है। देखिए, बजाज फिनसर है और जिसका बजाज फाइनेंस है, और जो बजाज कंपनी इतनी बड़ी बरसों से बल्ब बना रही है, बहुत बड़ी कंपनी बजाज है। इनके मेन प्रोडक्ट क्या क्या है सोचो, नहीं फर्स्ट आप सुन लो इंटरव्यू क्या होगा आपको, ठीक है। फर्स्ट आपने मैं लिंक दे दूंगा आपको डिस्क्रिप्शन में बजाज फाइनेंस का, वहाँ से अप्लाई करना तो आपको कॉल आ जाएगा, या फिर बजाज फाइनेंस कैरियर में जाना, आप वहां से अप्लाई कर सकते हैं, या फिर डायरेक्ट आप अप्लाई कर सकते हैं ऑफिस विजिट करके, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इंटरव्यू में आप जाएंगे, इंटरव्यू में पूछेगा आप फाइनेंस के बारे में क्या जानते हो, तो बोल देना प्रॉफिट कम है। बजाज फाइनेंस के बारे में क्या जानते हो, सर बजाज फाइनेंस मल्टीपल लोन करती है, कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन करती है, थ्री व्हीलर लोन करती है, बाइक फाइनेंस करती है और पर्सनल लोन करती है, कार्ड देती है, ठीक है। तो पूछिए कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन क्या होता है, तो कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन होता है जो प्रोडक्ट है, मोबाइल हो गया, टीवी हो गया, ये जो कंज्यूम करते हैं लोग, बेड हो गया, मिक्सी हो गया, कुछ भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम, डिजिटल आइटम जो होते हैं वो होता है कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन के अंतर्गत आता है, ठीक है। अभी होम फाइनेंस भी स्टार्ट कर रही है बजाज फाइनेंस, ठीक है। तो ये आपका इंटरव्यू हो गया, आपने इंटरव्यू क्लियर किया। 130 मार्क का आपका टेस्ट हो सकता है, तो जहाँ तक बजाज टेस्ट नहीं लेती है। एज और क्वालिफिकेशन बता रहा हूँ मैं आपको, एज मतलब एज नहीं, क्वालिफिकेशन आपको 12th बेस पे भी रखती है कहीं 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 जगह पे, कहीं ग्रेजुएशन मस्ट रहता है, ठीक है। और ज़्यादा फ्रेशर्स को ज़्यादा रखती है, एक्सपीरियंस बेस वाले को थोड़ा कम रखती है, इसको नए लोग चाहिए, क्योंकि इनके जो लोन्स हैं वो काफ़ी फास्ट लोन है, कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन फास्ट लोन है, थ्री व्हीलर लोन फास्ट लोन है, बाइक फाइनेंस फास्ट लोन है, ऐसे फटाफट आए और इनको तुरंत चाहिए। मोबाइल लेने गया उसको 1 घंटे में मोबाइल फाइनेंस चाहिए, बाइक लेने गया उसको 2 घंटे में चाहिए। तो यंग एंड यंगेस्ट पर्सन को ये ज़्यादा रखती है, ठीक है। ये हो गया बजाज फाइनेंस का आपको लोन डिटेल हो गया, ठीक है। अब आपका जॉइनिंग हो गया, आपको मिल जाएगा सेगमेंट, आपको एक सेगमेंट में काम करना है, हर सेगमेंट में काम नहीं करना। या तो आपको कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन देगा, या आपको बाइक फाइनेंस में दे देगा, या आपको पर्सनल लोन में दे देगा, या आपको बैक ऑफिस में दे देगा, या आपको एक और क्या बताया था मैं, कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन हो गया, बाइक फाइनेंस हो गया, ऑटो फाइनेंस, बाइक फाइनेंस में दे देगा, ठीक है, और पर्सनल लोन में दे देगा, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ इसकी सैलरी क्या स्टार्ट होती है, ठीक है। बजाज फाइनेंस में जो सैलरी है वो 10,000 से 14,000 के बीच में है। इवन आपका एक्सपीरियंस है तो ज़्यादा मिलेगा, अगर फ्रेशर है तो आप इवन कोई भी कहीं भी जाएंगे तो आपको 10 से ही स्टार्ट करना पड़ेगा, 10 टू 14 तक करना पड़ेगा। श्रीरामी राम 19-20 ऐसे जाता है, लेकिन वो अलग है, ठीक है। यहाँ पर आपको ज़्यादा लंबा विजिट नहीं करना, या तो आपको डीलरशिप पॉइंट में बैठना है और मोबाइल कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन है तो टाउन का काम है, गांव खेड़े काम नहीं होगा। अगर गांव का होगा तो उसी गांव के एम्प्लॉय को लिया जाएगा, ठीक है। अब सैलरी हो गई आपकी 10,000 मान लो सैलरी हो गई, ठीक है। लेकिन इनके प्रोडक्ट बहुत बिकते हैं, अभी टॉप पे बजाज फाइनेंस ही बहुत ज़्यादा फाइनेंस कर रही है, और बजाज फाइनेंस भी कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन को फर्स्ट लॉन्च किया था। तो इसमें अगर आप काम करेंगे इवन आपका 25,000 रुपया फ्रेशर आपका बन जाएगा, ठीक है। कहीं नहीं गया 25,000 रुपीज़, 22 से 25,000 रुपीज़ आपका कहीं नहीं गया। मार्क फाइनेंस में सेल्स में बात कर रहा हूँ, ठीक है। मैं रिकवरी की बात करूँगा, इसमें आपको रिकवरी में भी जॉब मिलेगा, प्लस आपको क्रेडिट में मिलेगा, फिर प्लस ऑडिट में भी, बहुत सारे इसमें मल्टीपल जॉब्स हैं। तो आप इवन फर्स्ट आप 25,000 कमा सकते हैं, इवन 2 महीने के बाद जब आपका मार्केट जम जाएगा, तो एकदम से फर्स्ट मंथ गए और बोलेंगे सर मेरे 25,000 किधर गया, कहाँ, नहीं, जम जाएगा मार्केट, आपके पास केसेस आने लगेंगे, तब इंसेंटिव मिला के सैलरी 10 मिलेगा प्लस आपको इंसेंटिव 15,000 बन जाएगा, ये हो गया 25,000 हो गया, ठीक है। फिर आपका मार्केट जमेगा 1 साल काम किए, 1.5 साल किए इवन आप, तो महीने का आप सोच लीजिए 40,000 रुपया बजाज फाइनेंस में कहीं नहीं गया है कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन में, ठीक है। मैं बाकी
बाइक का बात नहीं करता मैं, बाकी पर्सनल का बात नहीं करता, बाकी मैं उसका कंज्यूमर लोन में आपको अगर जॉब मिल गया तो 35 से 40 आपका एवरेज हो जाएगा। ये कैसे होगा, किसी मंथ 25 आएगा, किसी मंथ 30 आएगा, लेकिन जब सीजन सीजन और दिवाली आएगा, वेडिंग सीजन आएगा, तो कभी आपका 50 चल दिया, कभी 55 चल दिया, ऐसे करके एवरेज भी निकालो तो बजाज में 35-40 हज़ार रुपये आप कमा सकते हो 1-2 साल के अंदर। ऊपर से फिर आप ग्रोथ करोगे, फिर एग्जीक्यूटिव होगे, फिर सीनियर एग्जीक्यूटिव होगे, फिर आप असिस्टेंट मैनेजर होगे किसी, फिर टीम लीडर होगे, फिर प्रोडक्ट हेड होगे, फिर BM बनोगे। तो ऐसे करते करते आपकी सैलरी 20-50 साल से आपके सिटी में बैठ के, आपको इसके लिए कहीं दिल्ली बॉम्बे जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और क्वालिफिकेशन की बात करूँ तो 12th मस्ट या एनी ग्रेजुएट कोई भी, ऐसा नहीं कि आपने MBA किया, BTech किया तो ही रखेंगे, मात्र आप ग्रेजुएशन हो, आर्ट्स से हो, कॉमर्स से हो, एनी ग्रेजुएशन, ठीक है। और जॉब भी मिलेगा आपको अपनी सिटी में, अपने घर के पास में। बजाज की टोटल हर जगह ब्रांचेस है, और जहाँ नई भी हैं तो वहाँ खुलने वाली है ब्रांचेस, ठीक है। तो ये हो गया, ठीक है। और फर्स्ट मंथ आपको क्या करना है, देखिए फर्स्ट मंथ आपको जब जॉब पे रखा जाएगा तो एम्प्लॉय कोड आने में थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन बजाज बहुत जल्दी कर देती है, एम्प्लॉय कोड दे देगी आपको। आपको मान चाहे बाई चांस कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन में आपको उसने बोला है कि आप कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन कीजिए, तो आपको 2-3 दिन आपको एक एग्जीक्यूटिव के साथ भेजा जाएगा। कैसे काम करना है, करना कुछ नहीं है, कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन में अपने मोबाइल प्रोडक्ट होते हैं, टीवी वी, इनके स्टोर्स में जाना है, बैठना है, उनको अपना नंबर देना है, बस वो आएंगे कस्टमर लेने आएंगे, ठीक है। 10,000 के ऊपर का कोई भी चीज सामान फाइनेंस होता है, उसके नीचे फाइनेंस नहीं होगा, ठीक है। तो 10,000 के ऊपर कुछ भी ले रहा है वो, टीवी, फ्रिज, मिक्सी, फाइनेंस, मोबाइल, तो उसको आप फाइनेंस करेंगे, ठीक है। 80% फाइनेंस होता है, ठीक है, बाकी वो डाउन पेमेंट अपना करेगा, बाकी आप फाइनेंस करेंगे। रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स में क्या लगेगा, पैन कार्ड, आधार कार्ड, बैंक पासबुक और चेकबुक, ये बस, इससे ज़्यादा ब्याज लेती नहीं है, ठीक है। इसमें आप उसको फाइनेंस कर देंगे, ये हो गया, ठीक है। बाइक में होगा तो आपको बाइक डीलरशिप पॉइंट में भेजेगा कि चाहे बजाज में बैठिए, चाहे हीरो में बैठिए, वहाँ डीलरशिप पॉइंट में रहेगा, आपको फील्ड में नहीं जाना है, आपको डीलरशिप पॉइंट में बैठना है। फील्ड में जा भी सकते हो, ऐसा कुछ नहीं, कोई कोई जॉब में फील्ड में भी दे देता है कि आप फील्ड करिए, आप डीलरशिप पॉइंट मत कीजिए, ठीक है। पर्सनल लोन में आपको फील्ड में जाना पड़ेगा, ऑफिस ऑफिस वर्क करना पड़ेगा, ठीक है। तो फर्स्ट मंथ आपको पूरा काम सीख जाना है, इवन कलेक्शन का नहीं बताया, कलेक्शन में क्या है, बहुत फास्ट काम करना पड़ेगा आपको, ठीक है, क्योंकि बजाज में कलेक्शन 1 तारीख से स्टार्ट होता है, 1 से 2 से 5 के बीच इनको कलेक्शन चाहिए पूरा, नहीं आया तो जान खा देते हैं आपको। अगर बजाज में कलेक्शन में काम करना है तो बहुत ज़्यादा फास्ट, बहुत ज़्यादा एक्टिव, और बहुत ज़्यादा आपको मतलब पैसा निकालने वाला आना चाहिए। कुछ भी हो, कस्टमर को गाली भी दोगे तो कुछ नहीं बोलती बजाज फाइनेंस, ठीक है। और पैसे नहीं दे रहा है, क्या करोगे आप, कैसे भी करके एक बार नहीं, 10 बार नहीं, 1 तारीख हो गया पैसा नहीं आया, उसका देख लिए फ़ोन चालू, सर पैसा नहीं आया आपका, सर सर कब दे रहे हो, सर क्या है, घर पहुंच जाओ उसके। तो ऐसा करके कलेक्शन निकालना है, क्योंकि बजाज कलेक्शन के मामले में बहुत हार्ड है, क्योंकि वो लोन भी ऐसी बांट रही है बिना डॉक्यूमेंट के, कम डॉक्यूमेंट पे भरपूर लोन बांट रही है, मनमानी इंसेंटिव दे रही है आपको, 40-50 हज़ार कमाने का मौका दे रही है, लेकिन जॉब भी आपको दे रही है कि आप जाओ तो कलेक्शन लेके आओ, ठीक है। तो इसके लिए आपको पैसा दे रही है। और फाइनेंस भी ऐसा लोग को करो जो डिफॉल्ट ना हो। देखिए अगर आप किसी को फाइनेंस करते हैं तो पहले उसका आप देख लीजिए डॉक्यूमेंट सही है, लेकिन फिर भी आप KYC करिए, क्योंकि अगर आप फर्स्ट ही किस्त उसका डिफॉल्ट हो गया तो केस आपके ऊपर आएगा, ठीक है, कि आपने गलत फाइनेंस किया बोल के। 2-3 किस्त हो गया उसके बाद डिफॉल्ट किया तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फर्स्ट किस्त बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। हो सके तो आप एक किस्त एडवांस भी ले सकते हो, 2 किस्त एडवांस ले सकते हो, बोल सकते हो सर 2 किस्त एडवांस ले लो, आपका ब्याज दर कम हो जाएगा, आपका इंटरेस्ट रेट ऑफ रेशियो कम हो जाएगा। 1 किस्त एडवांस है तो अगले महीने नहीं भी देगा ना तो 1 किस्त एडवांस ऑलरेडी कट जाएगा, ठीक है उसका। तो 1 किस्त एडवांस आप लिया करो, है वो बिना बताए आप अपने कस्टमर को बताना नहीं है, वो जब आप बनाओगे आप उसका फाइल तो 1 किस्त एडवांस डाल के ही उसको फाइनेंस करके टोटल उसका अमाउंट बताना, ठीक है। तो इसमें आपको मगजमारी नहीं है, क्योंकि फर्स्ट किस्त ही डाउन हो गया तो मतलब आपने फॉल्स पैसा खा के डिफॉल्ट पैसा खा के आपको दिया है, ठीक है। बाकी ऐसा कुछ नहीं है, रिकवरी आपसे होगा, ऐसा कुछ नहीं है,
ऐसा फाइनेंस कंपनी में बोलती हैं फाइनेंस कंपनी, अभी आप डिफॉल्ट करके मेरी गलती है क्या? आपने डॉक्यूमेंट मांगा, मैंने डॉक्यूमेंट दिया, आपने केवाईसी मांगा, मैंने केवाईसी दिया, घर खुद का है, वो फलना खुद का है, अब वो डिफॉल्ट कर गया तो मेरी गलती क्या है? तो ऐसा कुछ नहीं होता। बहुत लोग कमेंट करते हैं सर अगर वो फाइनेंस कंपनी में कोई डिफॉल्ट कर दे क्या होते, इसके पर मैं एक वीडियो बनाऊंगा कि क्या क्या अपन और कर सकते हैं काम अगर कोई गाड़ी लेके भाग जाए या फिर गाड़ी गायब कर दे या फिर पैसा देने से इनकार कर दे। इस पर मैं एक सेपरेट वीडियो कल या परसों बना दूंगा कैसे इसको हैंडल करना है। मेरा भी एक हुआ था कि मैंने फाइनेंस किया था दिवाली में, ये टाटा या थी इंडिगो थी, ठीक है, वो गायब हो गया गाड़ी लेके, भाग गया गाड़ी लेके, तो कैसे मैंने उसको हैंडल किया, कैसे मैंने उसको टेकल किया, कंपनी ने क्या मेरे से एक्शन लिया, तो इस पर मैं बताऊँगा क्या आपको, ठीक है। तो आपको जानने में अच्छा लगेगा और आपको सीखने मिलेगा कि ऐसे केसेस में कैसे हैंडल करें। कोई ऐसा केस नहीं है कि जिसे वो हैंडल नहीं होता है, सब कुछ होता है। बस बजाज 100% वर्क मांगती है, 100% डेडिकेट मांगती है, एक्टिव पर्सन चाहिए। रात को 11 बजे भी कॉल आ जाए किसी मोबाइल का कि भाई एक मोबाइल फाइनेंस करना है तो आपको जाना पड़ेगा, ठीक है, उसका ही पैसा आपको दे रही है, ठीक है। टारगेट बहुत ईजी पूरा होता है, बजाज के खुद के प्रोडक्ट हैं और बहुत अच्छी जॉब है, लॉन्ग लाइफ जॉब है और बहुत बड़ा कैरियर है। तो होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। वीडियो समझ में आया होगा तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करना, बड़ा भाई हमें मानते हो तो। और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक बाय बाय, शुक्रिया और शब खैर दोस्त।